बनाएं। बच्चे भी घर पे हैं, बड़े भी घर पे हैं, तो सबके लिए पसंदीदा एक चीज तो कॉमन ही है, चॉकलेट पैनकेक। आज हम वही देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चॉकलेट पैनकेक। दोस्तों, पैनकेक का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ले ली है। सबसे पहले हम चीनी ले लेंगे एक बाउल में। चीनी के जगह पे अगर आपके यहाँ पे पीसी हुई चीनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट चीनी ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी आधा चम्मच वेनिला एसेंस। ये एक फ्लेवर के लिए है, अगर आपके पास वेनिला एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर बहुत एनहांस होगा। इसके बाद मैं डालूंगी कर्ड, ये छोटे चम्मच कर्ड के हमें 3 से 4 लेने हैं अपने हिसाब से। कर्ड अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप 3 चम्मच लें, ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप 4 चम्मच लें। इसके बाद हम डालेंगे मिल्क, 3 चम्मच। ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स का जो मिक्स है वो रेडी है इस तरह से। इसमें अभी हम छोटे चम्मच मेल्टेड बटर डालेंगे। ये 3 छोटे चम्मच में मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स होने के बाद अभी हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है। मैदा इस तरह से इसमें मैं ये कोको पाउडर है, हम चॉकलेट फ्लेवर्ड पैनकेक बना रहे हैं तो मैं कोको पाउडर लगेगा इस तरह से, 2 छोटे चम्मच और आधा चम्मच इस तरह से, 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया है कोको पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा, भी मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। जब भी हम कोई मीठी चीज बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाले तो मीठेपन का स्वाद उभर के आता है, इसलिए मैंने 1 चुटकी भर नमक इसमें डाल दिया है। इसके बाद इस मिक्स को अच्छे से सारा एक कर लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है। दोस्तों, इस तरह से हमारा पैनकेक का बैटर एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है और कंसिस्टेंसी भी एक बार देख लीजिए। इस तरह से हम कंसिस्टेंसी रखेंगे और अभी पैनकेक्स रेडी करेंगे। दोस्तों, हम पैनकेक्स जो है वो तवे पर बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम तवा गरम करने के लिए रख देंगे। तवे पर थोड़ा सा बटर लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। अभी हम डालेंगे पैनकेक। तवा हो गया है गरम। इस तरह से आपको फैलाना है पैनकेक का मिक्स। आप अपने हिसाब से इसका साइज रख सकते हैं। ये नॉर्मल साइज मैंने रख दिया है। अभी हम फ्लेम जो है वो थोड़ा मीडियम करेंगे, ज्यादा हाई नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसे होने देंगे। इस तरह से बुलबुले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पैनकेक के, इसका मतलब है ये अभी पक रहा है। नीचे से थोड़ा और ज्यादा पकने देंगे और फिर इसे पलटेंगे। देखिए दोस्तों, नीचे से थोड़ा सा अभी पक गया है, हमें हल्के हल्के इसे लेना है और इस तरह से पलटना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी मोटाई भी कितना अच्छे से फूल गया है हमारा पैनकेक। अभी एकदम लो फ्लेम पे इसे नीचे से भी पकने देंगे। आप चाहे तो साइड्स से बटन छोड़ सकते हैं।
ताकि ये हमारे तवे को ना चिपके। वैसे ज़रूरी नहीं है बट टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। तो हम थोड़ा सा बटर छोड़ेंगे साइड से। अभी हमारा पैनकेक नीचे से हो गया है, इसे पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से ये नीचे से भी पक गया है। इसे अभी हम हल्के से प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पैनकेक्स भी इसी तरह से बना लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे पैनकेक्स रेडी है, ये देख सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं एक स्पून कोको पाउडर लूंगी। इसकी जगह पे आप मेल्टेड चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं बट मैंने कोको पाउडर यूज करके आपको दिखाना है इसलिए ये दिखा रही हूँ। आधा स्पून शक्कर और इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह से गार्निशिंग चॉकलेट जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गार्निशिंग। दोस्तों इस तरह से मैंने कोन में चॉकलेट भर लिया है, अभी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी चॉकलेट पैनकेक्स एकदम रेडी है खाने के लिए। अभी इसे कट करेंगे और बस चालू कर दीजिए खाना। ये देखिए दोस्तों हमने पैनकेक्स कट कर लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ कितने फ्लफी है। ये देखिए फ्लफी स्पॉन्जी पैनकेक्स